हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्वेटर के बहुत ही सुंदर से डिजाइन लेकर आई हूँ। आप सबके साथ इस डिजाइन को शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सबको समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। देखिए ये कितना प्यारा डिजाइन है। ये देखिए सीधे की तरफ है और पीछे की तरफ से इस तरह है। ये देखिए इस तरह दिखेगा और सीधे की तरफ से इस तरह दिखेगा। तो अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बताना। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 26 फंदा है। अब इसमें मैं बताऊंगी कि इसको कैसे बनाएंगे। ये पहला सिलाई है तो इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये पूरा रो हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह। ये देखिए सीधे का रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब पीछे की तरफ से देखिए इसको। ये सारा फंदा हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये दूसरा रो है इस तरह। ये देखिए दूसरा रो कंप्लीट हो गया। अब ये तीसरा रो है। तीसरे रो में देखिए इसको, ये पहला फंदा है तो हम इसी तरह ले लेंगे। अब यहाँ पर हम धागे अपने तरफ रखेंगे और इसको देखिए 1 2 3 4, ये चार फंदा उल्टा बुन ली, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर देखिए इन चार फंदे को इस सिलाई से उतारेंगे और ये तीन फंदा को हम फिर इसी सिलाई पर ले लेंगे इस तरह, और एक फंदा को हम इस पर देखिए इस तरह ले लेंगे और पहले इसी को बुनेंगे इस तरह ऐसे। अब यहां पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा सीधा बुन ली। अब इसके बाद देखिए फिर धागे अपने तरफ। अब यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 फंदा उल्टा हो गया और फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर देखिए फिर इसको हम यहाँ 4 फंदा उतार लेंगे सिलाई से और 3 को फिर हम ले लेंगे और चौथा फंदा हम लास्ट में लेंगे इसको और फिर इसी सिलाई पर हम ले लेंगे। लेने के बाद इसको हम सीधा बुनेंगे इस तरह। देखिए ये देखिए इस तरह 1, ये देखिए 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा है। अब यहाँ पर देखिए फिर धागे अपने तरफ और 1 2 3 4, ये 4 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। ये किनारे का फंदा है तो हम इसको इसी तरह बुनेंगे, सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर ली। अब पीछे की तरफ से देखिए इसको, पीछे की तरफ से धागे पीछे। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदा सीधा बुन ली पीछे की तरफ से। अब फिर धागे अपने तरफ। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा सीधा, ये 6 फंदा उल्टा। ये देखिए 2 4 6,
अब यहाँ पर देखिए फिर धागे पीछे और एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ एक दो तीन चार पाँच छ, ये छह फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ। अब यहाँ पर देखिए इसको किनारे का फंदा सीधा सीधा बुन ली। अब इसको देखिए यहाँ पर ये पांचवा सिलाई है सीधे के तरफ से। अब इसको हम सारे फंदा सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह। सारे फंदा सीधा सीधा बुन के इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये सीधा के रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब पीछे की तरफ से देखिए इसको इस तरह बुनेंगे। ये पीछे के रो सारा हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे एक सिलाई पूरा। ये अभी इसके बाद देखिए सीधे के तरफ ये यहाँ पर ये पहला फंदा हम ले लिए इसी तरह। अब यहाँ पर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो, ये दो फंदा उल्टा हो गया, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम चार फंदा उतारेंगे, फिर हम तीन फंदा को इसी सिलाई पर ले लेंगे और ये चौथा फंदा हम पहले बुनेंगे इस तरह। अब यहाँ से देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छ, ये छह फंदा सीधा हो गया इस तरह। अब यहाँ पर देखिए फिर धागे अपने तरफ एक दो तीन चार, ये चार फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर देखिए फिर ये चार फंदा उतारेंगे और तीन फंदा को ले लेंगे, ये चौथे फंदा को हम सबसे पहले बुनेंगे इस तरह। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, ये छह फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार, ये चार फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे और ये किनारे के फंदा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर पीछे की तरफ से देखिए ये दो फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, ये छह फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ एक दो तीन चार पाँच छ, ये छह फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर दो फंदा सीधा बुनेंगे और ये किनारे का फंदा है तो हम इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह बनेगा, कितना सुंदर लग रहा है ये अभी ही। इसी तरह हम रिपीट करेंगे इसको, बार बार बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा रो हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह। इसी तरह हम पूरा रो को बुन के कंप्लीट।
अब देखिए ये सीधे की तरफ से ये पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब पीछे की तरफ से देखिए ये सारे रो हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह। ये देखिए सीधे की तरफ से अब ये पीछे का रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए इसको, सीधे की तरफ से ये, अब ये पहला फंदा है तो हम इसी तरह ले लेंगे। अब यहाँ पर हम ये चार फंदा उतारेंगे और तीन को फिर हम इसी सिलाई पर ले लेंगे, चौथे को हम सबसे पहले बुनेंगे इस तरह। और फिर यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा सीधा हो गया। फिर धागे अपने तरफ 1 2 3 4, ये 4 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। इसी तरह बार बार हम दोहराएंगे, फिर डिजाइन अपने आप ये निकलते चला जाएगा। और बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है ये, और सुंदर भी लगता है। एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा इस डिजाइन को बनाने को। ये देखिए अब ये पहले हम बुन ली 4था फंदा, फिर यहाँ से देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ 1 2 3 4, ये 4 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 4 फंदा है तो हम इसको उतारेंगे, तीन को इसी सिलाई पर ले लेंगे, चौथे फंदा को हम सबसे पहले बुनेंगे इस तरह। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब और पीछे करो देखिए, फिर हम उसी तरह बुनेंगे जैसे मैंने पहले बताई थी। इसको बार बार हम इसी तरह दोहराएंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे 1 2 3 4, ये 4 फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदा उल्टा। अब देखिए इसको ये इसी तरीके से बनेगा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डिजाइन बन के। तो ये देखिए इस तरह से ये दिखेगा, ऐसे ऐसे ये डिजाइन जाएगा बन के इस तरीके से, ये तिरछे तिरछे ऐसे। यहां से ये घट जाएगा, यहाँ से ये बढ़ जाएगा, यहाँ ये खत्म होगा, यहाँ से फिर हम शुरू करेंगे। ये डिजाइन इस तरह है, इस तरीके से ऐसे ऐसे बन के जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये डिजाइन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल को नहीं किए हैं प्लीज तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सबके साथ।